ज्योमेट्री आज शुरू करने वाले हैं, रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने देखा था कि रिप्रेजेंट ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, इरेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, तो इसमें रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेशनल नंबर कोई भी इंटीजर्स हो जा सकता है, कोई भी डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले इंटीजर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर्स अगर रेशनल सॉरी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, सॉरी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर आप इक्वल डिस्टेंस पे नंबर ड्रॉ करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक इन्फिनिटिव तक। इधर भी निगेटिव फॉर्म में 0, -1, -2, -3, -4 इन्फिनिटिव तक। आपको जो भी रिप्रेजेंट करना है, -3, -4, -5 जो भी रिप्रेजेंट करना है आप वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। सिर्फ इंटीजर रिप्रेजेंट करना हो तो जो मेन प्रॉब्लम्स आता है फॉर डेसिमल्स, तो डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, मेन मुद्दा क्या है कि डेसिमल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सपोज हमें रिप्रेजेंट करना है 3.7, जो पहला रिप्रेजेंट है वो क्या है, 3.7, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3.7 ऑन द नंबर लाइन। ओके, 3.7 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ओके, तो 3.7, तो 3.7 अगर है तो 3.7 को देखेंगे कि 3.7 कहां आ रहा है, 3 और 4 के बीच में, 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, यानी 3 और 4 के बीच में 3.7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 3.7 रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ये मान लीजिए ये लाइन छोटा है तो एक न्यू लाइन लेते हैं हम, अब वहां से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मान लीजिए हम यहां से एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, ओके, यहां से लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये लास्ट तक जाएगा अपना इन्फिनिटिव और ये हमें क्या लेना है 3.7, 3 और 4 के बीच में चाहिए। तो सिंपल सी बात है, देखिए गैप कितना है 3 4 के बीच में, इतना है, और इसमें अगर 3.7 को रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर यहां पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो बहुत उसके अंदर क्या होगा, कंपैक्ट हो जाएगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसको हम अपने मोबाइल में जूम इन जूम आउट देखा होगा, तो उस तरह से इस छोटी को 3.3 और 4 को जूम कर देंगे, इस तरह से जूम करेंगे और इसको इसी फॉर्म को हम बड़ा कर देंगे, लाइक इस तरह से। मान लेते हैं कि ये यहां ना होके ये यहां हो गया और ये यहां ना होके ये यहां हो गया, क्लियर, जूम कर दिए। तो अब इसको ड्रॉ कर लेंगे, देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले तो, ओके, तो ये है 3 और ये है 4, राइट नाउ अगर इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो और आसान से हो जाएगा। तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो इसको यहां ना करके यहीं तक ले आइए, आसान से आपको एकदम कैरेट मिलेगा। तो इसको यहां से ड्रॉ किए, क्लियर है एकदम बिल्कुल। तो यहां पे आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके अंदर 9 लाइंस लेंगे, कितना लेंगे 9, ठीक है, 9 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो 9 लाइन लेंगे, क्लियर है। अगर 9 लाइन लेंगे तो ये हम देखते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3.7, ये 3 हो गया है 4, 3.7
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7. तो यहाँ जब 7 पे आया तो ये क्या हो गया, 3.7 रिप्रेजेंट कर दिया हम 3.7 इजी तौर पे, क्योंकि देखिए 3 और 4 के बीच में ये जो 9 पॉइंट्स हैं ये पॉइंट है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो वही 3 के बाद है, तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 इस तरह से ये है। अगर इसको देखेंगे तो ये 3.1 हो गया, इसको देखेंगे तो ये 3.2 हो गया, ये 3.3 हो गया, ये 3.4 हो गया, ये 3.5 हो गया, 3.6 हो गया, क्लियर है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 3.8, 3.94, ओके रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि विजुलाइज 4.575 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग द सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस, ठीक है? तो 4.575 तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, क्लियर है? तो सबसे पहले एक लाइन लेंगे, इस तरह से ले लीजिए कोई लाइन, ये लाइन ले लिया हमने, ठीक है? यहां पे हमने ले लिया 4, ये इधर जा रहा है अपना, और 5 लेने से पहले हमने इसके अंदर एक पॉइंट लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, क्लियर हो गया? तो ये हो गया 5। एक बात बताइए, 4.575 जो है 4 से तो ज्यादा है और 5 से कम है, क्लियर है? ये तो एकदम बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 4 से ज्यादा है और 5 से क्या है, कम है, है ना? तो ये 4 और 5 के बीच में रहा होगा। तो इधर से अगर काउंट करते हैं तो ये पॉइंट हो गया 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये पॉइंट है 5, क्लियर है? कोई डाउट नहीं होने चाहिए। तो अब ये देखते हैं जो पॉइंट है 4.575, यही है ना? तो 4.575 अगर है ये, तो ये बात बताइए मेरे को कि 4 और 5 के बीच में तो है, लेकिन 4.575 जो है 4.5 और 4.6 के बीच में है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है बाय द वे, तो आप इस तरह से विजुलाइजेशंस कीजिए, यहां पे आप सिखाता हूं मैं कि अगर मान लीजिए 4.4 और 5 के बीच में आ गया, ये तो सही है, ठीक है, इसके बीच में आ गया, ओके। अब इससे और आगे चलते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं 4.500, 4.500, 4.5 को 4.500 लिख सकते हैं और 4.6 को क्या लिख सकते हैं, 4.6 को अपन लिख सकते हैं 4.600 और इनके बीच में 4.575 है कि नहीं है, 500 और 600 के बीच में 575। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को विजुलाइजेशन करते हैं, इसका मतलब ये है कि 4.575 जो है 4.5 और 4.6 के बीच में है, तो ये हो गया 4.5 और ये हो गया 4.6, इनके बीच में आएगा, तो इनको विजुलाइजेशन करते हैं इस तरह से, ठीक है? तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक पॉइंट को ले लेते हैं, ये मान लेते हैं एक पॉइंट हमारे पास आ गया, ओके तो इस पॉइंट को हमने एक नोटिस कर दिया, ये हो गया 4.5, ठीक है? और यहां के बाद आप 9 लाइंस लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और ये हो गया 4.6,
इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। तो यानी ये जो 4.5 और 4.6 था इसी को जूम आउट कर दिए छोटा से बड़ा, ताकि उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सके। क्लियर हो गई बातें? तो ये जो पॉइंट हो गया 4.51 हुआ, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58 और 4.59, ठीक है, और 4.60। तो अब यहां पे ये देखना है कि फोर, ये जो पॉइंट है 4.575 जो है किसके बीच आएगा। अब यहां पे ये देखेंगे 5.75, ठीक है ना। तो 5.75 जो है 5.7 से ज्यादा होगा और 5.8 से कम होगा। तो अगर इसको एक लाइन ये लिखेंगे कि 4.570, 5.7 को 5.70 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा है 5.575, 5.70 से 5.75 ज़्यादा है, और दूसरी पॉइंट है इसके बाद 4.58 है, तो इसमें भी जीरो लगा दीजिए। तो 5.70 और 5.80 के बीच में कहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको वापस विजुलाइज करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो एक तो पॉइंट हमने लिया 4.57, ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट लिया 4.58, ये पॉइंट, दो पॉइंट लिए हैं, और इसी पॉइंट को लेकर हम विजुलाइज करेंगे, ठीक है। अगर आपको कभी कभी कोई डाउट हो तो आप क्या किया कीजिए, पहले आप लिख लिया कीजिए, यहां पर ये पॉइंट हो गया 4.57, क्लियर है, और इसके बाद आप यही काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 हो गया। तो ये है 4.6, ठीक है। तो आपको विजुलाइज करना है, तो 4.57 को इससे ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, चलिए देखते हैं, ये रहा, यानी इस पॉइंट को यहां जूमिंग कर दिए और इस पॉइंट को यहां जूम कर दिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? यह 4.58 और यह 4.57। तो अगर यहां पे आएंगे इसी तरह काउंटिंग करेंगे तो 4.571, 4.572, 4.573, 4.574, 4.575 इस पॉइंट पे आएगा। तो अगर क्या लिखेंगे 4.575, तो ये पॉइंट हो गया। इस तरह से विजुलाइजेशन सम करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा बात। देखिए क्वेश्चन है कि विजुलाइज 6.37 रेकरिंग ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 6.37 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, 7 पे रेकरिंग भी है, ठीक है, लेकिन रेकरिंग है तो 7, 7, 7 वो तो चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, इसलिए बोला है कि कम से कम 4 डेसिमल प्लेस तक इसको विजुलाइज करना है। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि 6.37 6 और 7 के बीच में है, ये तो फिक्स है, तो 6 और 7 के बीच में ले लेते हैं। तो ये हो गया 6.1234, ठीक है, इस तरह से आप पहले लिख लेते हैं। अब ये समझते हैं कि 37 है, 37, ठीक है, तो 40 और 50 के बीच में होना चाहिए, सॉरी 30 और 40 के बीच में होना चाहिए, 37 है तो 30 और 40 के बीच में होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं है ना, तो 30-40 यानी 6.3 और 6.4 के बीच में होगा,
यहीं पे होगा कहीं, क्लियर है, मान लेंगे यहीं इसी के बीच में होगा, तो इसको अब विजुलाइजेशन करते हैं वापस, है ना। ये मान लेते हैं 6.3, चलिए यहां से देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये जो पॉइंट हो गया 6.4, ठीक है। तो यहां पे जो विजुलाइजेशन हमने देखा वो कहां से आया है, 6.3 ये हो गया और 6.4 ये हो गया, इसको जूम किए हुए हैं, क्लियर है। तो इसको विजुलाइज करेंगे 6.31, 6.32, 6.33, ये बढ़ता चला जाएगा, ये रहा 6.37, 6.38, 6.39, क्लियर है। अब आते हैं, तो ये जो टॉपिक है 6.37, इसका मतलब ये है कि नहीं है, ओके। तो जब इसका मतलब ये है तो इससे और आगे बढ़ते हैं, 6.37 पहले ये लो, तो 6.37 का मतलब क्या हुआ, 6.370 और 8.0 के बीच में, यही आएगा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले 6.37 चेकआउट कर लेते हैं, तो 6.37 ये आ गया, लेकिन 6.377 आना चाहिए, यानी 3738 के बीच में, एक और विजुलाइजेशन, ठीक है। तो वापस करते हैं सेम, ये जो पॉइंट हो गया 6.37, यहां से इसको जूम कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और जो ये जो पॉइंट हुआ वो हो गया 6.38, क्लियर हो गया। तो अब यहां पे देखेंगे ये 6.371, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6.377 आ गया, और ये कौन सा पॉइंट होगा, 3.378 और 6.379, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए, 7.7 तो हो गया, तो इससे और आगे देखते हैं, 6.377, ठीक है, और हमें चाहिए 6.3777, है कि नहीं। तो 7.77 चाहिए, यानी यहाँ जीरो लगाओ, यहाँ क्या होगा, 6.3780, ठीक है, 7.77 चाहिए, तो 7.77 जो है 3 × 7 है, तो 7.70 यानी 770 और 780 के बीच में आएगा, 777 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके विजुलाइजेशन में अब फिर वापस करते हैं, ठीक है, जब इसका विजुलाइजेशन करेंगे देखिए क्या होता है, लास्ट टाइम कर रहे हैं, इसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में कहीं आता होगा वो, ये कौन सा पॉइंट है, 6.377, ठीक है, जीरो मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं,
1 2 3 4 5 6 7 और ये कौन सा पॉइंट है, 6.3780, यहाँ से विजुलाइजेशन हुआ। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट आया होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, 6.3771। उसी तरह 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा 6.3777 आएगा, आ गया ना। और ये जो पॉइंट होगा 6.3778 होगा, होगा ये पॉइंट होगा 6.3779। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, ये रिप्रेजेंट करना है। और अगर यहाँ पे अभी तो 4 डेसिमल्स हो गया, तो 4 डेसिमल्स कर दो, ओके हो गया, हो गया ना। तो अगर इससे भी ज़्यादा रिप्रेजेंट करना था तो इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, जितना भी रिप्रेजेंट करना हो। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा डेसिमल रिप्रेजेंट करना है किनके किनके बीच में है। जब ये डिसाइड कर लेंगे तो आसानी से रिप्रेजेंट होता चला जाएगा। अब जितना ही लार्ज बनाएंगे, स्पेस रहेंगे, उतना क्लियर से दिखेगा। एक बात समझ लीजिए पहले, ठीक है।